अगर मैं किसी को 100 रुपये देने की घोषणा करूं तो मेरे देश में हेडलाइन बन जाती है, लेकिन मैं अगर ऐसी व्यवस्था करूं जिसके कारण उसके 200 रुपये बचते हैं, वो खबर नहीं बनती है। उसका महात्मा ही नहीं है, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल माइलेज नहीं है। लेकिन देश का भला करना है तो हमने स्थायी व्यवस्थाओं को विकसित करते हुए जन सामान्य की सुविधा और उसका बोझ कम करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। अब ट्रैफिक जाम बचेगा, दिल्ली का पर्यावरण भी बचेगा। हम आराम से कह देते हैं टाइम इज मनी, बड़ी सरलता से कहते हैं। अब ये टनल बनने से कारण टाइम बचेगा तो कितना मनी बचेगा ये भी तो सोचना चाहिए। लेकिन कहावत के लिए टाइम इज मनी ठीक है, लेकिन यहां भारत सरकार की इस योजना से टाइम बच गया तो मनी बच गया वो बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। यानी हमने सोचने के तरीके को भी, हमारे पुरानी आदतें, पुराने बॉक्सेस में चीजें डाल डाल करके देखने के बजाय बाहर आने की जरूरत है। एक अनुमान है कि जितना इस कॉरिडोर की वजह से प्रदूषण कम होगा, वैसा करने के लिए जैसा हमारे पीयूष भाई ने बताया, 5 लाख पेड़ से जो मदद मिलती है वो मदद इस टनल के कारण मिल जाने वाली है। इसका मतलब ये नहीं कि पेड़ लगाना नहीं है, और मुझे खुशी हुई कि इस प्रोजेक्ट के साथ पेड़ लगाने का कार्यक्रम भी हुआ यमुना के तट पर, और वो भी काम पूरा किया, डबल बेनिफिट ले लिया है।